बिहार के गंडक पार के धनहा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला बरकरार। अभी अभी दाढ़ी बनाने के दौरान हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर की हत्या। बड़ी खबर आ रही है बगहा पुलिस जिला अंतर्गत गंडक पार के धनहा थाना क्षेत्र से, जहां तमकुहवा विजय चौक के एक सैलून में दाढ़ी बनाने के दौरान बाइक से दो अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की सर में गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं अपराधी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। वहीं फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और इसकी सूचना धनहा थाना की पुलिस को दी। मिली जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही धनहा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत व्यक्ति मधुबनी प्रखंड के गुलरिया पंचायत के पूर्व मुखिया व प्रखंड अध्यक्ष विभव राय हैं। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। वहीं घटना के बाद सैलून संचालक ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। सैलून आप चलाते हैं? हाँ, हम चलाते हैं। किस तरह का घटना था, कौन है, कौन थे यहाँ पे? उनको देखे नहीं है, जैसे क्या जो बैठे थे दाढ़ी बना रहे थे, उनका क्या नाम है? विभव राय। विभव राय जी, आप ही के प्रखंड के हैं? हाँ, मेरे प्रखंड। ठीक है, कौन लोग आए, किस तरह के लोग थे? कुछ देखिए, हम डायरेक्ट आए, कुर्सी बैठे हैं जी, दूसरे वाली कुर्सी पे, तब तक हम काम कर रहे थे दूसरा, तो कहे कि अब बना लिए हैं, तो कह रहे कि आप बैठ जाइए, आगे बंजे बैठ जाइए। हाँ। और उसके बाद से जब मूंछ काट रहे थे हम, हाँ, तो जैसे छाड़ने गए हैं, हाँ, तब तो आगे सटा दिया, पूरा धुआं धुआं हो गया, बंदूक से सर पे मारा। हाँ, सर पे डायरेक्ट यहाँ मार दिया है। अभी उनकी स्थिति क्या थी? हमको नहीं लग रहा बच पाएंगे। और यहाँ पे कौन लेके गया उनको? वहाँ यहाँ से गोविंद यादव ले गए हैं। अच्छा। हाँ, उनकी स्कॉर्पियो। कैसे आए थे वो लोग, कहाँ से आए थे, कुछ देख पाए हैं? मोटरसाइकिल वगैरह कुछ? मोटरसाइकिल आवाज सुनाई दिया है, बस हमें आवाज सुनाई दिया है, भागे हैं सब, आवाज बस सुनाई दिया है। कितने लोग थे लगभग, अंदाजा? वहाँ के लोग साइड में जो देखे हैं, कह रहे दो लोग थे। दो लोग। हाँ। और कुछ आप कुछ अपने तरीके से देखे हैं, कौन से गाड़ी से थे, कैसे आए थे? कलर नहीं देखे हम कुछ।